वैगनर आर्मी की बगावत रुकने के बीच रूसी राष्ट्रपति पुतिन का एक इंटरव्यू सामने आया है। इंटरव्यू में रूसी राष्ट्रपति से सवाल पूछा गया था कि क्या ऐसी कोई गलती है जिसके लिए क्षमा करना संभव नहीं है, तो पुतिन ने जवाब दिया है विश्वासघात। रूस के राष्ट्रपति पुतिन के इस बयान को वैगनर ग्रुप की बगावत से जोड़कर देखा जा रहा है। वैगनर ग्रुप के मुखिया प्रिगोजिन, जो कभी पुतिन के इतने खास थे कि उनके रसोइये तक कहे जाते थे, उनके विद्रोह के बाद ये माना जा रहा है कि प्रिगोजिन को रूसी राष्ट्रपति सबक जरूर सिखाएंगे। इससे पहले वैगनर विद्रोह को लेकर रूसी विदेश मंत्रालय ने कहा था कि रूस में सशस्त्र विद्रोह की कोशिश को रूसी समाज ने मजबूती से खारिज कर दिया। रूस के लोग राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का पूरा समर्थन करते हैं। रूस के विदेश मंत्रालय ने वैगनर ग्रुप की बगावत के बाद बने हालात के पीछे विदेशी दुश्मनों का हाथ बताया था।